आमदार असे आहेत ज्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करायचा आहे, काही आमदार आहेत ज्यांना शिवसेनेमध्ये प्रवेश करायचा आहे, पण जे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करतायत त्यांचा पुढच्या आठवड्यातला प्रवेश निश्चित झालेला आहे. अभिनेता सोनू सूद विषयीची बातमी आहे, त्याच्या अडचणी वाढल्यात, कारण टॅक्स चोरी प्रकरणी 28 जागांवर आयकर विभागाने छापे टाकलेले आहेत. छाप्यात 1,08,00,000 रुपये जप्त करण्यात आले. अभिनेता सोनू सूदनं 20 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर चुकवल्याचं आयकर विभागानं एका निवेदनात स्पष्ट केलंय. आयकर विभागानं सलग 3 दिवस त्याच्या मुंबईच्या घरी जाऊन यासंदर्भात शोध घेतला होता. सोनूनं परदेशी देणगीदारांकडून क्राऊड फंडिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करून 2 कोटी रुपये गोळा केले. परदेशी योगदान कायद्याचं उल्लंघन केल्याचंही आयकर विभागाकडून सांगण्यात आलंय. लखनौमधील एका इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रुपच्या विविध परिसरातील रिअल इस्टेट प्रोजेक्ट्समध्ये सोनूनं मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेली आहे. या ठिकाणी करचोरी आणि पुस्तकांमधील अनियमित नोंदींशी संबंधित पुरावे सापडलेले आहेत. लखनौच्या ग्रुपनं बोगस बिलांच्या आधारे निधी वळवून गुंतवणूक केलेली आहे. आतापर्यंत अशा 65 कोटींच्या बोगस कराराचे पुरावे सापडले आहेत. आमचे प्रतिनिधी अभिषेक पांडे यांच्याकडून आपण अधिक माहिती घेणार आहोत. अभिषेक, क्या ताजा जानकारी? देखिए सोनू के यहाँ पिछले 3 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था इनकम टैक्स की तरफ से. कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी, लेकिन आज इनकम टैक्स ने कई खुलासे किए हैं और खास करके सोनू सूद के 2 महत्वपूर्ण चीजें इनकम टैक्स ने बताई हैं. पहला कि गलत तरीके से बोगस बिल के आधार पर कहीं ना कहीं सोनू ने कई सारे पैसे को इधर से उधर किया है और ये पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने डाले हैं, यानी बिल्डिंग्स में डाले हैं. दूसरा महत्वपूर्ण खुलासा इनकम टैक्स ने किया है कि सोनू सूद ने जब पिछले साल जब वो कोविड के दौरान मसीहा बनकर निकले थे तो उन्होंने 18.5 करोड़ रुपए उनके पास डोनेशन आए थे, जिसमें करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए सिर्फ खर्च हुए, यानी 17 करोड़ के आसपास सोनू के पास वो पैसे भी बचे हुए हैं उनके अकाउंट में. दूसरा, इसके अलावा उन्होंने बताया कि 11 ऐसे लॉकर्स हैं जिनकी छानबीन शुरू है जो सस्पेक्टेड हैं. इसके साथ साथ सोनू ने कई कंपनियों में बेनामी तरीके से पैसे डाले हैं या उसके शेयर्स लिए हैं, जिसकी जानकारी इनकम टैक्स को नहीं दी गई है. यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो सोनू सूद के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं और इनकम टैक्स ने जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं उसमें सोनू सूद के लिए निश्चित तौर पर आने वाले समय में मुश्किल पड़ेगी. जी, लेकिन अभिषेक, क्या ये हम अभी बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीजें साफ हो गई है? क्योंकि कल तक ये आरोप लगाया जा रहा था कि सोनू सूद पर जो कार्रवाई हुई है वो जानबूझकर की गई है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर एक सोशल इवेंट प्लान कर रहे हैं सोनू सूद. तो इन आरोपों को कैसे? बिल्कुल, देखिए कल तक जो राजनीतिक आरोप लग रहे थे सोनू सूद पर कि सोनू सूद अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के एक सोशल इवेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और उसके कारण इस तरीके की कार्रवाई की गई है. लेकिन आज इनकम टैक्स ने अपनी जानकारी देते हुए साफ कर दिया कि राजनीतिक हेतु यानी राजनीतिक उद्देश्य से ये कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनकम टैक्स में छुपाई गई या फिर सोनू सूद ने जिस तरीके से बेनामी तरीके से प्रॉपर्टीज खरीदी या दूसरे तरीके से उनको पैसे को रूट करा, डाइवर्ट किया, वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है, उसकी जानकारी दी गई है, जिसके कारण इस तरीके का सर्च ऑपरेशन चालू है. बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए. अजून काही घडामोडींकडे वळूया, पण त्याआधी एक ब्रेक पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.